केएल राहुल ने की जबरदस्त विकेट कीपिंग, कोहली के बयान ने बढ़ाई ऋषभ पंत की मुश्किलें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 36 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे केएल राहुल, जिन्होंने विस्फोटक पारी खेलने के साथ साथ जबरदस्त विकेट कीपिंग भी की। केएल राहुल ने पहले 52 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल ने 2 कैच लपके और आरोन फिच को स्टंप आउट किया। केएल राहुल के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद सभी क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी विकेट कीपिंग के मुरीद हो गए और कोहली ने तो राहुल को लेकर बड़ा बयान भी दे डाला। पंत की जगह राहुल को करेंगे विकेट कीपिंग। केएल राहुल ने जिस तरह से विकेट के लिए पीछे प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया। विराट कोहली ने कहा कि केएल राहुल अब बहुआयामी क्रिकेटर हैं, जो कई चीजें कर सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना अच्छा है और अब तो वह विकेट कीपिंग के लिए विकल्प भी बन गए हैं। केएल राहुल ने भी मैन ऑफ द मैच बनने के बाद बताया कि कुलदीप यादव ने उनकी विकेट कीपिंग की तारीफ की। केएल राहुल ने कहा, कुलदीप यादव ने मुझे कहा कि मेरी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है, मैंने बचपन से विकेट कीपिंग की है, लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट क्लास टीम के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका ज्यादा नहीं निभाई। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से मैंने कर्नाटक के लिए विकेट कीपिंग की है, मैं बतौर विकेट कीपर अच्छी फॉर्म में हूँ। उम्मीद है कि मैंने अपने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को खुश किया हो। बता दें कि केएल राहुल को ऋषभ पंत की चोट की वजह से विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि केएल राहुल के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने पंत से कम गलतियां की हैं। पहले वनडे में जरूर उनसे एक गेंद छूटी थी, लेकिन दूसरे वनडे में तो उन्होंने आरोन फिच को जिस तरह से स्टंप आउट किया है, उसे देखकर कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर ने उन्हें अच्छा विकेट कीपर बता दिया। अगर केएल राहुल ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में पंत की जगह राहुल की विकेट कीपिंग की भूमिका नजर आए। बता दें कि टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री पहले ही केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर अच्छा विकल्प बता चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, केएल राहुल को ही विकेट कीपिंग करनी चाहिए या पंत को लेना चाहिए? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।